रुको रुको रुको, क्या आप भी एक ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं? लेकिन फ्रेंड्स, कुछ निजी कारणों की वजह से आप उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो शायद आपको ये डर लग रहा है कि क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आपको ये भी डर लग रहा है कि मिस्त्री मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं अकेला कैसे करूँगा, कैसे बिजनेस करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब पैसे की कमी आपको हो रही है, जिससे आप ये बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं आपको इन सब प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में दूंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि आपको अगर ये सब प्रॉब्लम है और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, अपना नाम डालिए और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको कॉल करके बता दूं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप ये सोल्यूशन ट्राई कीजिए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा और साथ ही साथ आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में हो गया है कि अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप पैसे कैसे कमाएं या क्या, वो आपको बेसिक नॉलेज देगा जिससे आप एक जॉब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट होने में क्या दिक्कत आ रही है? मतलब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं कैसे करूं। तो शुरू में होता है कि आप डेट को बढ़ा रहे हैं, जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं आज कल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक वाजिब डेट रखिए, एक डेट रखिए और उस दिन आप उस शॉप को खोल दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, मेरा बर्थडे है 20 मई को, तो मैं इस शॉप को खोला हूँ 20 मई 2019 को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट अपोजिट में मैंने शॉप खोला था, अभी ये साइड कर दिया हूँ और इधर मैं शॉप कर रहा हूँ। तो एक डेट रखिए, अगर आपका जन्मदिन नज़दीक है तो आप जन्मदिन में कीजिए, या आप दूसरे दिन कर सकते हैं, जैसे आपका जन्मदिन अगर 2 है तो 2 मई जून जुलाई, इससे मतलब नहीं है। तो ये फ्रेंड्स डेट की हो गई अब बात, कि आप डेट को आप थोड़ा सा क्लियर ही जान लिए कि आपको जल्दी, मतलब एक दो दिन, हाँ आज करूँगा कल करूँगा, ये नहीं करना है। अब स्टार्टिंग में एक और दिक्कत आती है फ्रेंड्स, कि आप पूंजी कैसे लाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पूंजी नहीं है, 4,000 है, 5,000 है या 10,000 है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर 10,000 का अगर सामान लाना है तो मेरे से पूछिए आप कि क्या सामान लाना है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने 4,000 से स्टार्ट किया है, 4,000 से ये इतना बड़ा करके आज 10 लाख का किया हूँ। तो अगर 4,000 में मैंने क्या क्या पार्ट्स लिया, अगर आप जानना चाहोगे तो वो भी जान सकते हो, एक वीडियो मैंने डाल दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं। अगर आपको 5,000 है तो 5,000 का मैं आपको पार्ट्स बता दे रहा हूं अभी तुरंत, और आप उसे ले लीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, लेट मत कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरुआत में आपको अगर पार्ट्स लेना है तो मैं बता दे रहा हूं कि आप मोबिल रखिए, पहले एक एक पीस रखिए, जैसे एक पीस रखिए हीरो का, एक पीस रखिए कैस्ट्रोल का, अभी तो मेरे पास पूरा माल यहाँ पर भरा पड़ा है। गल्फ रखिए एक पीस, और एक पीस कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे कम रेट में आप सैबसोल रख लीजिए या सर्वो रख लीजिए, सर्वो रख लीजिए, कोई भी, मतलब 4 पीस रखिए। शुरू में मैंने 4 पीस ही लिया था और रख दिया था बाहर। उसके बाद फ्रेंड्स, 1,000 आपको इन्वेस्ट करना है आप अपने रिंच में, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जितना भी रिंच है तो आपको रखना है, वही हम बता दे रहा हूँ, 8-9 से लेके आप 24-25 तक, मतलब उसका पूरा रिंच आप ले लीजिए, जैसे 8-9, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, इस टाइप का आपको 24 तक पूरा रिंच रखना है। उसके बाद एक रख लीजिए आप 30-32, जो हैंडल टाइट होता है उसमें 32 का ज़रूर लगता है, और उसको रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एक हंग गाड़ी है उसका चैन टाइट करने के लिए आपको 32 नंबर का रिंच ज़रूर लगेगा। ये हो गया रिंच में फ्रेंड्स। 2 कूलर रख लीजिए, मैग्नेट कूलर, एक स्प्लेंडर, एक पैशन प्रो का। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, पेचकस रखना है, एक बीट पेचकस जो एगो 8 नंबर का रिंच में लगता है, वो बीट पेचकस, और 3 टी रिंच, एक 8 नंबर का, एक 10 नंबर का, एक 14 नंबर का। उसके बाद फ्रेंड्स, प्लास रख लीजिए 2 पीस, एक तोता प्लास होता है जिसको कौवा प्लास भी लोग कहते हैं, और एक होता है आपका जो चोंच प्लास होता है ना, जिसको आप मतलब कुछ पिन उन खोल सकते हैं, जैसे इंजन का काम कीजिएगा तो पिन खोलने के लिए एक प्लास रहता है, वो प्लास को ले लीजिए। अब रिंच तो हो गया फ्रेंड्स, अब आपको रखना है
कुछ नहीं, आप रखिए प्लग। सबसे फर्स्ट में आप लेना है, आपको देख सकते हैं यहाँ प्लग। आप कोई भी कंपनी का उठा लीजिए, बॉस उठाइए, आरके उठाइए, या कोई भी कम रेट का भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हीरो का उठा सकते हैं, होंडा का उठा लीजिए, जैसे होंडा का भी है मेरे पास। तो आप कोई भी प्लग उठा लीजिए, एक पैकेट, एक पैकेट नहीं तो कम से कम 10 पीस उठाइए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको शो में दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ग्रिप कवर लेना है। ग्रिप कवर का 3-4 लरी ले लीजिए, ब्रेक कवर का ले लीजिए, ग्रिप ब्रेक और एक गुटकी होता है उसका लरी आप ले लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है थोड़ा सा कि आप बाहर शटर है आपका दुकान में या गेट है उसमें आप टांग दीजिए, आपका दुकान शो करेगा कि हाँ गाड़ी दुकान खुला है, हाँ कोई दुकान खुला हुआ है तो क्या है, गाड़ी दुकान खुला है। और थोड़ा सा शो में भी रहेगा कि अच्छा कुछ नहीं तो ग्रिप कवर चलो लगा लेते हैं, 10-50 रुपया शुरू में रहता है कि रेंज पकड़ता है दुकान। आपके पास शुरू में अगर कुछ नहीं है तो अगर वो भी बाहर में लटका हुआ है तो आपका एक शो बन जाएगा कि दुकान खुला हुआ है और वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ कवर उवर चलो हम लगा के देखते हैं कि क्या दुकान है क्या है, थोड़ा चैन टाइट करा लेते हैं, ऐसे करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। ये हो गया ग्रिप कवर से थोड़ा शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ग्रिप कवर ज़्यादा रेट नहीं आता, वो आपको लगभग 18-19 रुपये, 15 रुपये जैसे आप लीजिए उस टाइप का कवर का रेट आएगा। अब आ जाता है फ्रेंड्स क्लच प्लेट। दो गाड़ी का रखिए, पैशन प्रो और मतलब HH का रख लीजिए आप, उसका पूरा जितना सीडी डिलक्स सीडी डाउन जितना भी है गाड़ी समय वो क्लच प्लेट लग जाएगा, वो क्लच प्लेट आप रख लीजिए और एक आध गाड़ी का वो। उसके बाद फ्रेंड्स चैन किट रख लीजिए पैशन प्रो का, पैशन प्रो में सब लग जाएगा सीडी डिलक्स, एक होंडा साइन का रख लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आपको लेना है वायर, जैसे हो कि आप पैशन प्रो का क्लच वायर, ब्रेक वायर, एक्सलेटर वायर। तो फ्रेंड्स ये आपको लेना है मतलब दो दो पीस लेना है, क्वांटिटी में आप देख लीजिए। जैसे होंडा साइन का लेना है, पल्सर का लेना है, डिस्कवर का लेना है, तो हर गाड़ी का आप दो दो पीस लीजिए, क्योंकि दो दो पीस बहुत जरूरी फ्रेंड्स। अगर एक आपका बिक गया तो एक आपका अवेलेबल रहेगा फिलहाल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप रख सकते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर भी बहुत जरूरी है। जैसे पैशन प्रो हो गया, स्प्लेंडर प्लस का हो गया, यहाँ देख सकते हैं पैशन प्रो स्प्लेंडर, आप कोई भी। उसके बाद होंडा साइन, हंग कुंग का ज़्यादा बिक्री नहीं है तो वो सब का रखना नहीं है, ग्लैमर का रख लीजिए। और आप रख सकते हैं पैशन प्रो डिजिटल, ये अभी बहुत ज़्यादा चलित है इसलिए डिजिटल का ज़रूर रखिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स ब्रेक्सू में, तो यहाँ ब्रेक्सू में आप देख सकते हैं कि एरो का भी फिलहाल है, हीरो का है, आरके का है, तो ये आप सब कंपनी ट्राई कर सकते हैं। हीरो का तो रख लीजिए, हीरो का भी जो बहुत ज़्यादा मांग है, और ब्रेक्सू आप रख लीजिए कुछ नहीं, 4 पीस आता है। एक स्प्लेंडर का छोटा हब एक रख लीजिए, बॉक्सर उक्सर मतलब जितना भी डिस्कवर हो गया उसका छोटा, और एक बड़ा हब। बस पैशन प्रो इस सब का नाम से आप ले लीजिए, बस 4 किस्म का आता है ब्रेक्सू, वो आप रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सीट कवर रख लीजिए एक एक पीस सब गाड़ी का, पैशन प्रो स्प्लेंडर ये सब का जितना भी मॉडल है आप रख लीजिए एक एक पीस, ज़्यादा ना एक एक पीस। तो ये हो गया फ्रेंड्स, इतना पार्ट्स आप रखोगे काफ़ी है। एक आध पीस आप वाइजर, अगर पैसा बचेगा तो वाइजर रख लीजिए, वरना रखने का कोई ज़रूरत नहीं, मांग होगा तो आप खुद रखिए, वरना अभी फ़िलहाल वाइजर उजर का काम हटा दीजिए। तो ये स्टार्टिंग में आप इसको ले लीजिए फ्रेंड्स, और एक डेट सेट कीजिए और उस दिन दुकान खोल दीजिए। तो इसमें आप हमको जहाँ तक मैंने बताया तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अब फ्रेंड्स एक चीज़ और आता है कि आपके पास मिस्त्री अवेलेबल नहीं है, आप बिजनेस कैसे करें। तो फ्रेंड्स खुद के भरोसे में बिजनेस कीजिए, मैं अपना कहानी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था फ्रेंड्स कि एक लड़का था जो मिस्त्री, वो मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर के दूर में था। उसका मैं 3-4 बार राउंड मारता था कि वो दुकान खोले और मैं जाऊँ और उसको बोले कि मेरा यहाँ काम करे। वो पता है फ्रेंड्स आ गया मेरा पास, बोल रहा ठीक है हम काम करेंगे। और वो क्या बोल रहा था, जब मैं काम करूँगा तो जितना सामान आपका बिकेगा उससे 10% मैं सामान से लूँगा, प्लस जितना मेरा मिस्त्री चार्ज है वो मैं रखूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब सामान से मैं उससे 10% दूँगा प्लस उसका पूरा मिस्त्री चार्ज, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो उस टाइम वो 10% मांगता था प्लस वो मिस्त्री चार्ज खुद रखना चाहता था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बहुत सोचा कि अगर मैं उसे ही दे दूंगा सब चीज़ तो मेरा कमाई क्या रहेगा, क्या होगा मेरे साथ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं हताश हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि चलो अगर कुछ नहीं तो मुझे
उस टाइम थोड़ा सा मुझे उतना नॉलेज नहीं था पार्ट्स उट्स के बारे में, अभी तो फुल जानकारी है। तो मैं उस समय मात्र 3 महीना के लिए चल गया था काम करने के लिए। 3 महीना सोचा काम करूंगा, लेकिन 3 महीना नहीं हो पाया फ्रेंड। मैंने 1 महीना काम किया, पार्ट्स उट्स रनिंग और इंजन का काम थोड़ा सा सीखा, उसके बाद दुकान आके खोला। और उस टाइम लगभग अपने बर्थडे से मैं 20-30 दिन पहले गया था काम करने, और अपने बर्थडे दिन ही मैंने ये शॉप को खोला था, जो कि 2019 का टाइम है फ्रेंड्स। 20 मई 2019 को मैंने शॉप की शुरुआत की थी, और अभी देखते देखते मैं इतना भी मतलब टायर फायर जितना भी देख सकते फ्रेंड्स, हर रनिंग आइटम, हर चीज़, इंजन का हर काम, मतलब जो यहाँ इस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं, वो हर चीज़ मेरे पास, एक ना एक पीस मेरे पास उपलब्ध ज़रूर मिलता है। अब फ्रेंड्स ये हो गया आपको कि मिस्त्री जो अवेलेबल है, अगर नहीं हो पा रही तो आप दुकान स्टार्ट कीजिए, मिस्त्री आपके पास खुद अवेलेबल हो जाएगी। अभी मेरे पास स्टाफ लोग आते हैं, कहते हैं कि मुझे रख लीजिए, तो वही मैं सोचता हूँ कि एक टाइम था कि मैं दर बदर भटकते रहता था मिस्त्री के लिए, लेकिन आज खुद मेरे पास आते हैं कि मुझे हेल्पिंग में, हेल्पर में रख लीजिए, मिस्त्री में रख लीजिए। तो ये होता है फ्रेंड्स दुकान खोलने। अब फ्रेंड्स आता है एक चीज़ कि घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब मैं था आपका, अभी मेरा तो उम्र हो गया 19 साल आसपास, तो मैं 16-17 साल से इस बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता था। तो फ्रेंड्स उस टाइम मेरे घर से भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन बाद में सपोर्ट हुआ। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा, मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरे व्यूअर होंगे वो लगभग 21-22-23 आसपास के एज के ही होंगे, या 24-25 उधर ही एज के होंगे। तो उनको घर से सपोर्ट का उतना हमको लगता नहीं कि ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग परिपूर्ण हो चुका होगा, वो बिजनेस कर सकते हैं। घर में भी उनको प्रॉब्लम नहीं कि तुम ये बिजनेस मत करो, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा, वो नहीं बोलेंगे। तो घर से सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर पूंजी नहीं है फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड से 5,000 पूंजी में भी आप कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। इतना है कि बिजनेस बाद में सक्सेसफुल होगा, ये गारंटी लिख लीजिए। क्योंकि आप अगर 1 महीना आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, तो 2 महीना में आपको सर्विसिंग उसिंग सब चीज़ आने लगेगा। एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि शुरुआती में आप, मतलब जो और दुकान यहाँ पर आपके होंगे, मोहल्ले में होंगे, गांव में होंगे, शहर में होंगे, तो वहाँ का रेट से आप कम कीजिएगा। जैसे सर्विसिंग चार्ज, यहाँ जब शुरुआत में मैं दुकान किया था तो 200 रुपया सर्विसिंग चार्ज था। पता है आप लोगों को मैं सर्विसिंग कितना में करता था? 120 रुपया में। और अभी कर रहा हूँ 250 रुपया में। तो ये है फ्रेंड्स शुरुआती में, कि शुरुआत में मैंने अपना कस्टमर बनाया 120 रुपया में करके, और धीरे 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 150 किया, उसके बाद 200, उसके बाद आज 250 में करता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटेल की, आप शुरुआत में हर पार्ट्स में थोड़ा सा कम ही कमाएं, लेकिन डेली कमाएं। उसके बाद भी फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, अपना नंबर डालिए, वहाँ पर अपना नाम लिखिए, मैं आपको कॉल करके बताऊँगा। क्योंकि अपना नंबर मैं डाल देता हूँ फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में, तो बहुत ज़्यादा कॉल आने लगते हैं, मैं काम भी अच्छा से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर डालें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब में मैं इसीलिए अपना बात थोड़ा सा डाल रहा हूँ कि फ्रेंड्स बहुत से मेरे ऐसे, मेरे एज के ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके पास ये शेयर कीजिए। और भी कुछ आइडिया मैं और बिजनेस से रिलेटेड दूंगा। और ये जो शॉप है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जो ये शॉप है वो माँ शारदा सर्विस सेंटर के नाम से आप देख सकते हैं, और नाम भी मैंने शुरुआती में भी रखा था, उस टाइम मैंने नाम नहीं दिया था, जो कि मैंने वो साइड, ये रोड के अपोजिट मैंने खोला था, और आज इतना बड़ा कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करके। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।